ओ भाई जान, ओ भाई क्या कर रहे हो, इधर हो जाओ यार, इनको अपनी जान की परवाह नहीं है भाई। फाटक जब बंद कर लेते हो, हाँ जी, तो फिर भी लोग गुजरते हैं यहाँ पे। वो क्या करें सर, अब गुजरते मोटरसाइकिल पर, अपनी जिम्मेदारी पे गुजरते हैं ना। मना नहीं करते आप? मना करते हैं। तो गेट मैन, ये कमरा है आपका? हाँ जी। तो कमरे में शीशा शीशा भी पीते हैं? जी हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल तैयार है जी, उका बिल्कुल इस टाइम रेडी है। रेलवे मुलाजमीन को ये अलाउ है अगर ये चीजें आप यहाँ पे रखें? नहीं नहीं, अलाउ नहीं। सब्जी मंडी फाटक पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। फाटक की क्या सूरत हाल होती है जब फाटक बंद हो जाते हैं और गाड़ियाँ गुजरती हैं? इंतजामिया से भी बात करेंगे, इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पे? और ये देखे जरा, फाटक बंद है लेकिन बाइकें गुजर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो? फाटक बंद करते हो, क्या हाल है भाई, कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह, आप ठीक है सर? तबीयत ठीक है जी। फाटक जब बंद कर लेते हो, हाँ जी, तो फिर भी लोग गुजरते हैं यहाँ पे? वो क्या करें सर, अब गुजरते मोटरसाइकिल पर, अपनी जिम्मेदारी पे गुजरते हैं ना। मना नहीं करते आप? मना करते हैं। अच्छा। हमने बंद कर दिया, हमने अपना काम कर दिया, गेट बंद कर दिया। ये कौन सा फाटक है? ये चार नंबर फाटक, बदामी बाग का। बदामी बाग सब्जी मंडी लगता है जी, सब्जी मंडी फाटक से ये मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या हो ऐसे, क्या कहते हो, डेजिग्नेशन क्या? गेट मैन। गेट मैन हो जी। तो गेट मैन, ये कमरा है आपका? हाँ जी। तो कमरे में शीशा शीशा भी पीते हैं? जी हाँ भाई, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल तैयार है जी, उका बिल्कुल इस टाइम रेडी है। ये कौन पीता है? ये साथ बाबा है, वो रख जाता है इस टाइम। अच्छा, इधर तो, मैं तो साथ सिगरेट भी नहीं पीता। अच्छा, तो ये हुका वो पीते हैं जी, जी। तो काफ़ी फाटक में जो है हादसे पेश आते हैं जी, एक्सीडेंट काफ़ी हो जाते हैं, बुजुर्ग नीचे आ जाते हैं ट्रेन में, तब क्या करते हैं? इधर बैठ के आराम से मज़े से आप शीशा पी रहे होते हैं ऐसे हुके? शीशा नहीं है, आपको शीशा लगता नहीं सर, शीशा शीशा कहते हैं। हुक्का तो है ना, ये अलाउ है? मैं सादा सिगरेट भी नहीं पीता, आपको शायद नहीं पता चल रहा। रेलवे मुलाजमीन को ये अलाउ है अगर ये चीज़ें आप यहाँ पे रखें? नहीं नहीं, अलाउ नहीं है। तो ये फिर क्यों रखा हुआ है? ये कोई रात वाली ड्यूटी वाला बंदा रख गया मेरा ख्याल, पहले वाला। अच्छा, हाँ आइंदा वो पीता है, रात को पीता है, यानी कि रात को जो मर्जी कर लो भाई, आप रात को यहाँ पे शराब पी लो, टुन हो के आराम से लेटे रहो, शीशा पी लो, हुक्का पी लो, जो मर्जी कर लो, रात को ही ज़्यादा हादसे होते हैं, रात को ही लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, गफलत के शिकार हो जाते हैं। ये इतनी बड़ी गफलत है, ये गफलत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा अंधा कभी, ऐसा नहीं, नहीं गफलत है कि नहीं है? हमने अपना गेट बंद किया हुआ है। ये ऐसे अलाउ तो नहीं ना है? नहीं नहीं, अलाउ नहीं है। नहीं है ना? नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब ये ड्यूटी का पहले का पड़ा, मैं देखा नहीं, चेक नहीं किया, बाइंदा नहीं सर कर दो यार। ये आपको नजर नहीं आया इतना बड़ा हुक्का इधर पड़ा हुआ है? ये पैप देखो, इसका पैप देखो कितना लंबा है, ये तो आप समझ लो कि गेट से बाहर पटली के पास जाके आप हुक्का पी सकते हैं आराम से। हैं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैं इधर पुराना ड्यूटी करने वाला हूँ, कभी ऐसी की बात ही नहीं, ना लापरवाह बंदा नहीं हूँ। इंचार्ज कौन है वैसे इधर? स्टेशन मास्टर होते हैं हमारे इंचार्ज। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका अमर राणा साहब। अमर राणा साहब जी, विजिट करते हैं कभी अमर राणा साहब इधर आए हैं कभी, विजिट किए उन्होंने? आते रहते हैं सर। उन्होंने कभी हुक्का देखा है यहाँ पे? हुक्का नहीं, उनका शायद नोटिस में ना हो। उनके नोटिस में नहीं? नहीं नहीं, उनके नोटिस में होगा भी तो वो, उनको भी परवाह नहीं होगी, वो कह रहे यार चलो हमारे जवान हैं, पी रहे हैं हुक्का पी रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है सर। तो ये भाई ये पड़ा हुआ है ना इधर, आपको नज़र नहीं आया जब आप कमरे में आए हैं? मैं तो चलो अभी हमारा यहाँ से गुजरना हुआ तो मैंने देखा, तो आपको तो नज़र आना चाहिए। बस मैं अभी अंदर आया हूँ सुबह को, वो ना लाइनें सही कर रहे हैं। अच्छा। बस उनके पास कभी उनको पानी पिलाओ, कभी अंदर कभी बाहर, इसी वजह से ना। सिगरेट वगैरह पीते हो? नहीं ज़्यादा भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं। तो ये यहाँ से उठाओ जी, ये देखें इंतज़ामिया, ये दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि रियलिटी चेक है रेलवे पर क्या हो रहा है जी। रेलवे में बड़ा नुकसान हो रहा है, जैसे कि ये पिछले दिनों में काफ़ी लॉस हुआ है, तो ये लॉस ऐसे ही होते हैं, जो हादसे होते हैं ये हादसे ऐसे ही होते हैं, इनको तो पता ही नहीं होता जी, आराम से बैठ के रातों को नशा करते हैं, सुकून से लेटे होते हैं। ये तो मैंने अभी हुक्का दिखाया, यहाँ पे शराबें भी पी जाती हैं जी, टुन नोए होते हैं लोग, लेकिन ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। अगर आपको सैलरी मिल रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हमारे टैक्स से अगर आपको सैलरी जा रही है ना, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटी जो है ना भरपूर तरीके के साथ निभाएं, ना ही डंडी मारें उसमें। और ये बहुत बड़ी गफलत है, जैसे कि मैंने माजी में दिखाए हैं, पुलिस स्टेशनों में भी होते हैं, थानों में भी पड़े होते हैं, ये अलाउ नहीं है भाई, ये चीज़ें अलाउ नहीं है यहाँ पे रखना, हुक्का पीना आराम से, शीशे पीने, नशे करने अपने, तो ये ड्यूटियाँ कौन करेंगे भाई?
हमारे टैक्स से सैलरी जाती है, इनको तनख्वाहें मिलती है, तो ये चीज़ों पे ज़्यादा गौर करना चाहिए। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे रिहाइश है आपकी? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या? बाबल नगर का। अच्छा, बाबल नगर के। यहाँ पे क्या क्वार्टर लिया हुआ है? मसवाके बेच रहा। अच्छा, मसवाके बेचते हैं। हाँ। तो मजदूर हैं आप दोनों? हाँ जी, मजदूर हैं। तो ये आपको पता है कि ये फाटक बंद हो चुका है, ट्रेन आ रही है। इधर हो जाओ भाई, इधर आ जाए, इधर हो जाओ भाई, इधर हो जाओ, ट्रेन आ रही है जी, ये देखें। हाँ, ट्रेन आ रही है बाबा जी, ट्रेन आ रही है, फाटक बंद हो गया है। मजदूर हो दोवें पैरा, तो ज़रा ख्याल करना चाहिए। ठीक हो, ट्रेन जब गुजर जाए तो काम बंद है, तुसी बाद जाके गुजरो, क्योंकि तो हालत भी ठीक नहीं है। ठीक हो, माजूर हो तुसी। हाँ, मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल करें जरा, कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही हाल। ये देखें, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये देखें, ये देखें जी, बाइकें गुजर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें जी। ओ भाई जान, ओ भाई क्या कर रहे हो, इधर हो जाओ यार, इनको अपनी जान की परवाह नहीं है भाई, ये देखें, इनको अपनी जान की परवाह ही नहीं है। ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन दिखाओ जी, ये देखें, ये दिखाएं ट्रेन। ट्रेन गुजर रही है, फाटक बंद है, बाइकें ऐसे जा रही हैं जी, हादसे ऐसे ही पेश आते हैं, फिर कहते हैं जी ट्रेन के नीचे आ गया। ये नाज़रीन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, इनको अपनी जान की परवाह ही नहीं है, फाटक बंद है, जैसे कि अभी आपने देखा, ये कितना ख़तरनाक खौफनाक मंजर हमने आपको दिखाया है कि बाइकें गुजर रही है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड का फासला था ट्रेन का, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता वो ट्रेन उस बाइक को हिट कर जाती तो फिर क्या होना था। ये इतनी बड़ी गफलत है, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये जो इंतज़ामिया यहाँ पर बैठी है, ये इनकी ज़िम्मेदारी है भाई, रोकना इनको, इनको रोकना कि भाई सब्र करो, ट्रेन को गुजरने दो। ये बहुत बड़ी गफलत आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब हादसा पेश आ जाता है उसके बाद जो है ये फिर अलर्ट हो जाते हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था आज के NPG मीडिया में। बस इतना ही, मुझे मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।